ऑल राइट, सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज इस वीडियो च आप गल करन जा रहे हैं जी लाइफ एज ए पी आर इन कैनेडा। मुझे ना नहीं पता, मैं बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाई सी लाइफ ऑन वर्क परमिट, ठीक है कि कनेडा च वर्क परमिट तो जिंदगी किदा दी है। सो मैं सोचो हुण आपां पक्के हो गए हैं, आपां हुण वीडियो बनाने लाइफ एज ए पी आर इन कैनेडा कि पी आर होकर कनेडा च जिंदगी किन्नी सौखी हो जाती है या फिर किहड़ियां स्पैशल प्रिविलेजेस मिल जांदियां। बाय द वे, मैं इत्थों कोई बेनीफिट नहीं गलान जा रहा पी आर कार्ड दे, बट मैं दसूंगा कि मेरी जिंदगी च की कुछ डिफरेंस आया पक्के होकर एज़ कंपेयर टू जो मैं वर्क परमिट ते सीगा। एंड बाय द वे, मैं थोड़ा घूम फिर निकलिया अज, सो तुहानू अज नाल दे नाल थोड़ा जिहा घुमा फिरा भी दवांगे ते आपां थोड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर कर लांगे वो बंदियां लई जिहड़े कि हले स्टूडेंट आ या फिर वर्क परमिट ते आ एंड वो छेती ही पी आर फाइल लगाउण दी प्लैनिंग कर रहे आ। सो जी, जिस दिन मैं पक्का होया सकना, मेरे घरदिया ने मैंने जोड़ा सब तो पहला सवाल पूछे सी, कहिंदे वी हुण तां तेरी सैलरी वध रही होनी है ना। सो इहदा मैं रिसपोंस तुहाडे सारे नाल शेयर कर देना चाहना। तुसीं स्टूडेंट हो, वर्क परमिट ते हो या फिर पी आर हो, इहदा कोई फर्क नहीं पैंदा तुहाडी सैलरी नूं लै के। तुहाडा इमीग्रेशन स्टेटस दा कोई लैणा देणा है नहीं कि तुहानूं सैलरी किन्नी मिलेगी, एंड ये चीज़ वधिया वा। नहीं तो फिर मैं कहूँगा स्टूडेंट या फिर वर्क परमिट वाले धक्का हो ही जा रहा, बट इदा का कुछ नहीं है। अनलैस तुसी पोजिशन चेंज कर दो, एज लोंग एज तुसी सेम पोजिशन से काम कर रहे हो तो सैलरी कोई फर्क नहीं आने का। फिर तुसी कहूँगा जी फायदा ही की है पी आर होने का अगर सैलरी फर्क नहीं आया। सो मैं तुम्हें दसदा फर्क कितने आता, फर्क आता अपॉर्चुनिटीज़ के। अगर तुम जॉब्स देख रहे हो तो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स, मैं कहाँ गवर्नमेंट सैक्टर वाली, उत्थे तुहानू चाहिए होंगी हाई लैवल सिक्योरिटी क्लीयरेंस वगैरह, तो मोस्टली US ट्रैवल या 6-6 महीने इधर उधर कैनेडा US के रहने वाली जॉब्स होंगे मोस्टली गवर्नमेंट कह लें या फिर जी हाई प्रोफाइल जॉब्स होंगे, तो उन्होंने रिक्वायरमेंट ही होंगी पी आर या फिर सिटीजनशिप या फिर मैं कहाँ जिम्मे पुलिस वगैरह जाना तो वह भी पी आर चाहिए। सो तुम्हें अपॉर्चुनिटी बहुत खुल जाती जॉब के मामले में, अगर तुम वधिया जॉब वधिया प्रोफेशन करियर बनाना चाहते जिते स्टार्टिंग ही 70-80 हज़ार 90 हज़ार डॉलर साल की सैलरी होंगी है। एंड जो बिजनेस की गल करा तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज भी डेफिनेटली खुलती हैं, क्योंकि जो तुम इतने वर्क परमिट दे हो तुम्हें कहने लोन देना ना, गड्डिया के लोन भी लोग बड़े औखे अपरूव कराते हैं। तो लेकिन जो तुम बिजनेस खोलना या फिर कोई फ्रेंचाइजी खरीदनी है या जो भी करना ना, किसी रियल एस्टेट से जाना या कोई फ्रेंचाइजी खरीदनी अपना खुद का कुछ शुरू करना, फिर तुम्हें सरकार के वालों लोन वगैरह या फिर ग्रांट्स मिलनी बहुत ईजी हो जाए अगर तुम पी आर हो, क्योंकि वो तुम्हें सपोर्ट करना चाहते फिर कि तुम इस इकोनमी के ग्रो करो एंड तुम जॉब्स क्रिएट करो, तो वो सपोर्ट तुम्हें स्टूडेंट रेंदे या वर्क परमिट रेंदे नहीं मिलती। बाकी जी मैं कह भी जिंदगी तो ताकि सेम जी रही है पी आर हो या वर्क परमिट हो, मतलब मान लो थोड़ी अज पी आर आई है हूँ कल की सवेर तो जिंदगी अचानक तो उदा नहीं बदलने लगी, खर्चे कमाई सब कुछ सेम रहा। हाँ अपॉर्चुनिटी जरूर बदल जाती थोड़िया बहुत, तो अगर तुम उन्हों का बेनीफिट लेना चाहो थोड़े हाथ पैर मारना चाहो तो जिंदगी वधिया बना सकते हो। तो जी मैं परसनली वधिया चीज़ लगी पी आर हो गया है कॉन्फिडेंस आ जाता बंदे, हूँ सानू ज़्यादा परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पैंता कि रूल चल रहे की चल रहा, जॉब इन्ना टाइम आप कंप्लीट करना, नौक दे विच आंदी नहीं आंदी, इमीग्रेशन रूल बदल गए, PNP कदों खुलूगी, CRS स्कोर की आ, वो चीज़ें मैटर नहीं करदियाँ। एंड मैं लगता बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एंड अननेसैसरी स्ट्रैस जिहड़ा दिता जाता ना टैंपरेरी रेजिडेंट नूं बहुत ज़्यादा हो जाता वा, उहदे करके बंदा लाइफ से अपने गोल से की काम करे। सो मैं तो परसनली सब तो वड्डा रिलीफ उही मिलिया भी कॉन्फिडेंस आ जाता, आप कोई भी जॉब करिए नहीं भी करनी, 6 महीने घर बहना, 6 महीने इंडिया जाना, जो दिल करता करो, कोई सवाल जवाब नहीं पूछने वाला। तुहानूं लगता भी तुसीं ऊबर चलानी, तुसीं ऊबर चलाओ, तुहानूं लगता तुसीं इंडिया तो पैसे मंगा के खर्चने, तुसीं उह करो, तुहानूं लगता मैं दिन रात काम करके इंडिया पैसे भेजने, तुसीं उह करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, कुछ नहीं। यह मैनूं बेनीफिट सब तो वधिया लग्या। इस तो बाद जिहड़ा मैनूं वधिया लग्या मैं कहूँगा भई तुहाडी फैमिली जो किसी ने बाहर आना उन्हां दा रस्ता थोड़ा सौखा हो जाता। हुण तुसीं पुछोगे किवें, हुण स्पोंसर वाले जिहड़े चक्कर हुंदे उह 3 साल 4 साल 5 साल भी लग जाते, मैं उहदी गल नहीं करदा। एक तो यह भी तुहाडी फैमिली जो किसी ने आना तो उन्होंने सवाल जवाब थोड़े घट पुछे जाएंगे, उन्होंने पता वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि तुम इतने पी आर हो। दूसरी गल, अगर उन्होंने सीधे पी आर फाइल करनी है, स्पोंसर करना चाहो तुम कर सकते हो, बट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, स्पोंसर नहीं करना तो भी उन्होंने बेनीफिट रहा कि इतने कोई ब्लड रैलेटिव पी आर आ, सो उन्होंने पॉइंट बच जाते, उन्होंने फाइल छेती चक्की जाती, उन्होंने वारी छेती आती है। सो ये बेनीफिट मैं लग्या। बाकी तो मैं कहूँगा जिंदगी ऑलमोस्ट सेम जो यार, रातों रात तक कुछ नहीं बदलता। बाकी जी मैं तो तुम्हें आई सलाह देना चाहूँगा वे जे तुसी बाहर रहना या कनेडा अमरीका किसी भी कंट्री, कोशिश करो छेती तो छेती पी आर वाला काम डन करो, क्योंकि फिर वो वाधू सिरदर्दी जी बन जाती है। एक बार पी आर डन होगी तो देखो, हूँ मैं ओंटारियो तो निकल गया अल्बर्टा, एंड ये जगह मेरे घर तो सिर्फ 1 घंटा दूर आ, देखो
ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਟ੍ਰੇਲ 'ਤੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਕਡੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਐਂਡ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗੱਡੀ ਚੱਕੀ ਦੀ ਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ। ਸਿਰਫ $10 ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ, ਖੈਰ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਨਹੀਂ ਹੁਣ 20 ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਐਂਡ ਚਿਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਆ। ਖੈਰ ਆਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਕ ਆ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਕਿ PR ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੈੱਟ ਬਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਗੋਲ ਆ ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਸਭ ਨੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਸਟ 'ਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ PR ਬਾਰੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਲਾਈਫ ਔਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡ ਰਿਸਪੋਂਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਐਂਡ ਲਾਸਟਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ PR ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜੋਬ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਉ ਜਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਸਹਿਣੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਰਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜੋਬ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੰਦਾ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਦੇਖੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗੇ ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵਧੀਆ ਵਾ PR ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਖਤਮ। ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਚੰਗਾ।